बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस तजज़िया, एसटी कॉलरिज की पोइट्री का तजज़िया। सैमुअल टेलर कॉलरिज प्लेस इन द कैनन ऑफ इंग्लिश पोइट्री रेस्ट्स ऑन अ कंपैरेटिवली स्मॉल बॉडी ऑफ अचीवमेंट। सैमुअल टेलर कॉलरिज का मकाम अंग्रेजी शायरी के असूल में निस्बतन कारनुमाया के छोटे जिस्म पर आराम करता है। अ फ्यू पोएम्स फ्राम द लेट 1790s एंड अर्ली 1800s। चंद नज़में। द लेट, ताखीर से, 1790 की ताखीर से और 1800 के आगाज से। चंद नज़में। एंड हिज पार्टिसिपेशन इन द रेवोल्यूशनरी पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1797 और उसकी शिरकत इन द रेवोल्यूशनरी पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स की इनकलाबी अशात में उसकी शिरकत इन 1797 में। अनलाइक वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के बरक्स, हिज वर्क कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू द लेंस ऑफ द 1802। उसका काम समझा नहीं जा सकता 1802 के लेंस के जरिए। प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ डेट बुक, उस किताब के दूसरे एडिशन की तमहीद। दो इट डज रिजेंबल वर्ड्सवर्थ्स इन इट्स आइडियलाइजेशन, अगरचे ये मुशाबहत रखता है वर्ड्सवर्थ की इसकी मसाल साजी से, ऑफ नेचर, फितरत की इसकी मसाल साजी से। एंड इट्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमन जाय, और इंसानी खुशी के इसके ज़ोर या ताकीद पर। कॉलरिज पोएम्स ऑफन फेवर म्यूजिकल अफेक्ट्स ओवर द प्लेननेस ऑफ कॉमन स्पीच, कॉलरिज की नज़में अक्सर मौसीकी के असरात की हमायत करती हैं ओवर द प्लेननेस ऑफ कॉमन स्पीच, आम कलाम की सादगी पर। The intentional archaisms of the rhyme of the ancient mariner, iradi purane muhavre of the rhyme of the ancient mariner ke, and the hypnotic drone of Kubla Khan, aur khwab aur drone of Kubla Khan ka, do not imitate common speech, आम कलाम की नकल नहीं करती। creating instead इसकी बजाय पैदा करते हुए ज्यादा मौसर तरीके से स्टाइल, अंदाज का असर। further, college poems complicate the phenomena, मज़ीद कॉलेज की नज़में पेचीदा करती हैं मज़ाहिर को। वर्ड्सवर्थ टेक्स फॉर ग्रांटेड, वर्ड्सवर्थ सच मान लेता है द सिंपल यूनिटी बिटवीन द चाइल्ड एंड नेचर, सिंपल यूनिटी सादा इतहाद को बच्चे और फितरत या कुदरत के दरमियान, एंड द एडल्ट्स कनेक्शन विद नेचर और बालक का रिकनेक्शन, दोबारा जुड़ना विद नेचर, फितरत के साथ, थ्रू मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादों के जरिए। इन पोएम्स सच एज फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, नज़मों में जैसा कि फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, कॉलरिज इंडिकेट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ द चाइल्ड्स इनोसेंस, कॉलरिज जाहिर करता है द फ्रेजिलिटी ऑफ द चाइल्ड्स इनोसेंस, बच्चे की मासूमियत की नासकी को, कमजोरी को।
कमजोरी की तरफ इशारा करता है by relating his own urban childhood, अपने शहरी बचपन का तअल्लुक जाहिर करते हुए in poems such as Dejection and Oat, नज़मों में जैसा कि Dejection and Oat and Nightingale में he stresses the division between his own mind and the beauty of the natural world, वो जोर देता है तकसीम पर बिटवीन हिज ऑन माइंड अपने जहन की और कुदरती दुनिया की खूबसूरती के दरमियान. फाइनली कॉलेज ऑफन द विलेजेस रीड टेल्स, आखिरकार कॉलेज अक्सर इख्तियार करता है अजीब कहानियां एंड बिजार इमेजरी और अजीब इमेजरी इस्तेमाल करते हैं over the commonplace, rustic simplicities, over the commonplace, आम जगह पर देहाती simplicities, देहाती सादगियों पर Wordsworth advocates, Wordsworth हमायत करता है the thousand slimy things, हजार हजार पतली दुबली पतली चीजें that crawl upon the rotting sea in the rime, जो रींगती हैं गले सड़े समंदर पर in the rime, rhyme poem में would be out of place in a Wordsworth poem, would be out of place जगह से बाहर होगी in a Wordsworth poem, Wordsworth की नज़म में. If Wordsworth represents the central pillar of early romanticism, अगर Wordsworth पेश करता है the central pillar, मरकजी सतून of early romanticism, इब्तदाई रोमानियत का, Coleridge is nevertheless an important structural support. ताहम Coleridge एक अहम बनावटी सपोर्ट है, सहारा है. His emphasis on the imagination, उसका तखय्युल पर जोर, ताकीद. Its independence from the outside world, इसकी आज़ादी, बैरूनी दुनिया से आज़ादी. And its creation of fantastic pictures, और इसकी तख्लीक of fantastic pictures, शानदार तस्वीरों की. Such as those found in the rhyme, जैसा कि वो जो rhyme में पाई जाती हैं, exerted a profound influence, गहरा असर किया है on later writers, बाद के मुसन्नफीन पर. Such as Shelley, जैसा कि Shelley, his depiction of feelings of alienation and numbness help to define more sharply the romantics, his depiction of feelings of alienation, uska begangi ke ehsasat ka bayan, and numbness aur behisi ne helped to define more sharply the romantics, romaniyat ko zyada bayan karne ki, ज़्यादा तारीफ़ करने में मदद की रोमांटिक्स की. आइडियलाइज्ड कंट्रास्ट बिटवीन द एम्प्टीनेस ऑफ द सिटी, आइडियलाइज्ड कंट्रास्ट तजाद को मसाली बनाया बिटवीन द एम्प्टीनेस ऑफ द सिटी, शहर के खालीपन के दरमियान. वेयर सच फीलिंग्स आर एक्सपीरियंस्ड, जहाँ ऐसे तजर्बात का तजर्बा किया जाता है. सच फीलिंग्स आर एक्सपीरियंस्ड, ऐसे तजर्बात किए जाते हैं, ऐसे एहसासात के तजर्बात किए जाते हैं. एंड द जॉयज ऑफ नेचर, और फितरत या कुदरत की खुशियों के तजर्बात किए जाते हैं. द हाइटेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फीलिंग्स, बुलंद फहमो फरासत of these feelings in ehsasat ki also helped
शेप द स्टीरियोटाइप ऑफ द सफरिंग, ने भी मदद की शेप करने में, शक्ल देने में, द स्टीरियोटाइप यकसा रखने में ऑफ द सफरिंग, मुसीबत की, मुसीबत को यकसा रखने की शक्ल देने में मदद की। रोमांटिक जीनियस ऑफन फर्दर कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रग एडिक्शन, रोमानवी जहानत अक्सर मजीद किरदार बयान किया गया है ड्रग एडिक्शन के जरिए, नशे की लत के जरिए। दिस फिगर ऑफ द आइडियलिस्ट, मसालियत पसंद का ये फिगर, ये हिंसा, ब्रिलियंट येट ट्रेजिकली, शानदार जहीन येट ट्रेजिकली अनेबल, अलबत्ता दर्दनाक तौर पर बेबस, टू अटेन हिज ओन आइडियल्स, अपने आइडियल्स को हासिल करने में, इज अ मेजर पोज फॉर कॉलेज इन हिज पोएट्री, एक बड़ा अंदाज है कॉलेज के लिए उसकी शायरी में। हिज पोर्ट्रेल ऑफ द माइंड एज इट मूव्स, उसकी तस्वीर साजी ऑफ द माइंड, जहन की उसकी तस्वीर साजी, एज इट मूव्स जब ये हरकत करती है, वेदर इन साइलेंस चाहे खामोशी में, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट और इन फ्रेंजी, कुबला खान आल्सो हेल्प्ड टू डिफाइन द इंटीमेट इमोशनलिज्म ऑफ रोमांटिसिज्म, आल्सो भी मदद की है टू डिफाइन, तारीफ करने में, द इंटीमेट इमोशनलिज्म, गहरी जज्बातीत को ऑफ रोमांटिसिज्म की, रोमांटिसिज्म की, रोमानियत की। वाइल मच ऑफ पोएट्री इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, वाइल मच ऑफ द पोएट्री, जबकि ज्यादा शायरी मुकर्रर की गई है, ऑफ इमोशन रिकलेक्टेड, जज्बे को दोबारा याद करके, इन ट्रैंक्विलिटी सुकून में, खामोशी में। The origin of college poems often seems to be the origin of college poems. कॉलेज की नज़मों का असल अक्सर दिखाई देता है, to be emotion recollected in emotion, जज्बे में दोबारा याद किया गया जज्बा, but unlike Wordsworth, लेकिन Wordsworth के बरक्स, इट कुड बी आर्ग्यूड, इट कुड बी इसकी दलील दी जा सकती थी, इट कुड बी इसकी दलील दी जा सकती है। कॉलेज मेंटेन्स नॉट ओनली एन इमोशनल इंटेंसिटी, कॉलेज ना सिर्फ जज्बाती शिद्दत बरकरार रखता है, बट आल्सो अ लेजिटिमेट इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस, बल्कि एक जायज अकली मौजूदगी भी, थ्रू आउट हिज ओवर एंड अप्लाइज कॉन्स्टेंट फिलोसफिकल प्रेशर टू हिज आइडियाज, थ्रू आउट हिज ओवर ओवर किसी मुसन्नफ मुसव्वर मौसीकार वगैरह के कारनामे, यानी अपने कारनामे के जरिए, एंड अप्लाइज कॉन्स्टेंट फिलोसफिकल प्रेशर, और मुस्तकिल फलसफियाना दबाव डालता है हिज आइडियाज अपने तसव्वुरात पर। इन हिज लेटर ईयर्स, अपने बाद के सालों में, कॉलेज वर्कड अ ग्रेट डील, कॉलेज ने बड़ी हद तक काम किया ऑन मेटाफिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स चीज़ों की हकीकत के मुताले पर और सियासत पर, एंड ऑफ फिलासफिकल कॉन्शियसनेस और फलसफियाना शौर, इन्फ्यूजेस मच ऑफ हिज वर्स, इन्फ्यूजेस दाखिल करता है मच ऑफ हिज वर्स उसकी शायरी में ज्यादा, पर्टिकुलरली पोएम्स सच एज, खास तौर पर नज़में जैसा कि द नाइटिंगेल एंड डिजेक्शन एंड ओट, in which the relationship between mind and nature is defined
जिसमें जहन और फितरत के दरमियान तअल्लुक की वजाहत की गई है वाया द स्पेसिफिक रिजेक्शन ऑफ फलिशियस वर्जन्स ऑफ इट वाया द स्पेसिफिक रिजेक्शन खास तरदीद के जरिए ऑफ फलिशियस वर्जन्स ऑफ इट इसके गुमराहकुन या गलत तर्जमों की तरदीद के जरिए द माइंड टू कॉलरेज cannot take its feeling from nature. Zehn, college ke liye, cannot take its feeling. Apna ehsaas nahi le sakta from nature, fitrat se. And cannot falsely imbue or falsely galat taur par sarshar nahi ho sakta nature se, fitrat se, with its own feeling. Apne ehsaas ke saath. Rather, The mind must be so suffused. بلکہ ذہن کو مکمل طور پر پھیلا ہوا ہونا چاہیے with its own joy اپنی خوشی کے ساتھ and it opens up to the real independent immortal joy of nature اور یہ open ہوتا ہے کھلتا ہے to the real حقیقی آزاد لافانی فطرت کی خوشی کے ساتھ کھلتا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ہی انالیسس کا کوسچن ایس ٹی کالریج کی پوئٹری کے انالیسس کا کوسچن یعنی ایس ٹی کالریج کی شاعری کا تجزیہ کا کوسچن ختم ہوتا ہے تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ